समीर न्यूज़ के प्रोग्राम में साहब के साथ मैं हूं नजीबुल्ला भाषानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अमजद जोहर छीना साहब। इनका सियासी ताल्लुक गुरचाणी ग्रुप से है। इनके साथ हैं सज्जाद खोसा साहब, शजरकारी के हवाले से इनको जाना जाता है। इनके साथ हैं मुमताज़ तारिक साहब, माशाल्लाह शायर है, सियासी समाजी कारकुन है। और इनके साथ हैं जनाब ज़ुबैर भुट्टा साहब, जामपुर ज़िला के लिए इनकी काविश कोशें। और ये वो शख्स है जो पंजाब असम्बली में पहली बार अकेले ही बैनर लेके खड़े थे जामपुर ज़िला के लिए। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं हम। जामपुर ज़िला के सियासी कायदीन की कारकर्दगी से आया ये मुतमईन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मलिक अमजद साहब से। मलिक साहब, गुज़िश्ता 10 साल से आपका ग्रुप बसर इक़्तदार है, आप थोड़ा हमें बताएंगे कि आपने इलाके की खिदमात क्या की, आप मुतमईन हैं अपने ग्रुप की क़यादत से, कामों के हवाले से? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले तो सभी दिल का, उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। तो मेरा ताल्लुक डिप्टी स्पीकर साबिक सरदार शेर अली खान गुरचाणी के ग्रुप से है। 10 साल वो इक़्तदार में रहे, जितना काम किया वो लोगों के सामने उन्होंने जितने तौर पर हो सकता था उनकी हैसियत में उन्होंने काम कराए हैं। मेरे ख्याल में नौजवान को जितना काम करना चाहिए था डेवलपमेंट के हवाले से, शोर के हवाले से, और लोगों को जितना उन्होंने यहाँ पे तब्दीली, जो हम आजकल नारा हमारा मोटो बनाया हुआ है कि हमने तब्दीली के नाम पे जिन्होंने वोट किए हैं यहाँ पे, तो उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में अगर जिला राजनीपुर में अगर किसी ने कोई तब्दीली लेकर आया है तो वो हर जगह है सरदार शेर अली खान गुरचाणी है। उसमें आप ये देख लें कि हमेशा हमसे ये सवाल किया जाता है कि आपने 10 साल में क्या काम किया। भाषानी साहब, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना ग्रुप्स हमारे मकामी तौर पर जिला राजनपुर में 3-4 ग्रुप जो हमारे पास इकदार हैं, सही त्रिशक सरदार हो गए यहाँ पे, लगारी बिरादरान हो गए, मजारी साहबान हो गए, उसके बाद गुरचाणी ग्रुप जो है ना बेसिकली 2013 से मेरे ख्याल में इकदार में थे। वहाँ से पहले वो मुशीर थे, मुशीर 2018 तक, उसके बाद डिप्टी स्पीकर बने, तो उसके बाद मेरे ख्याल में जामपुर में जितना उनको रिस्पांस किया, सही शेर अली खान आज तक कहते हैं कि जामपुर मेरा पहला घर है। नहीं, इसमें तो कोई थोड़ा सा वो होता है बशानी साहब, मेरी बात आप सुन लें कि जाहिर सी बात है वो एक सूबे लेवल पे बात करते हैं, जब उनके ऊपर के MLA के साथ आपके इख्तलाफ हो, बाद में डेवलपमेंट के कुछ काम ऐसे हैं जिसमें उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। सब आप एक 5 अरब का पैकेज भी लाए थे जामपुर के लिए, जी मेरा ख्याल है वो आपकी बहुत बड़ी काविश है। बिल्कुल बिल्कुल, और जामपुर आज तक खंडराज में तब्दील हो गया, वो 5 अरब का पैकेज कहाँ गया? देखिए, आपको पता है यहाँ जामपुर में सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है आपके सामने, सैनिटेशन के हवाले से हमारे जो सिटी चेयरमैन है हाजी अकरम कुरैशी साहब, दिन रात मेहनत करके उन्हें तो मेरे ख्याल में अपनी जेब से भी बड़ा काम किया है यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से। 5 अरब का उन्होंने नौ जरूर किया था, लेकिन बाद में आपको पता है कि यहाँ पे बाकी भी क्यादत बसरे इक़्तदार थी जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, सरदार जाफर खान लगारी, उनका हर आए रोज, जैसे एक मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ, दादर पुल का हवाला दे सकता हूँ, दादर रोड का, आप तो बन रहे हैं ना, ठीक है, उनको उन्होंने वो स्टे ऑर्डर लिया आपके सामने है, वो उसका आप बेशक मेरे इस वक्त आपके सामने आपको कॉपी नहीं दिखा सकता, हाईकोर्ट में उन्होंने स्टे लिया हुआ था अपने नाम के साथ। कुछ काम ऐसे थे जिनकी मुखालफत की बिना पे आपकी जामपुर के साथ मेरे ख्याल में ज्यादती की। सज्जाद भाई जी, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? माशाल्लाह आप सोशल वर्क करते हैं और ये स्टे, ये 5 अरब का पैकेज, आप इस बात पे कुछ? मैं सर इससे थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। मैं तो सोचता हूं कि जो सरदार लोग होते हैं उनकी एक क्लास और होती है, मतलब वो सर बात क्लास की नहीं हो रही, बात जामपुर शहर के तरक्याती कामों की हो रही है, या इलाके में आप इनकी क्यादत के कामों से मुतमईन है? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि मुतमईन नहीं है, मतलब इनको भी मौका मिला जिस तरह, मतलब ये अगर कहें कि हमें मौका नहीं मिला, मिला बिल्कुल, शायद उनसे बेहतर कुछ काम किए हों, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हो सकते थे। सर हम बात करें मतलब की इनका बड़ा काम है, दाने स्कूल आपको दिया, बड़ा काम है, ठीक है ना, उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इतमाही काम है एजुकेशन आप ये देखें कि रोड्स पे किया जी,
लेकिन आप ये देखें कि बहुत से काम जो जैसे जामपुर ज़िला की करारदाद ये भी पेश कर सकते थे वो नहीं कराई, और मखसूस सीट जिस तरह पीपल पार्टी ने इधर दी ये भी इन्होंने कर सकती थी, इन्होंने की अलग अदद के साथ थे ये, मतलब वो नहीं किया। और दीगर मतलब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा इस दौर में बलोच ट्राइब ज़रा प्रमोट हुए और उनकी नस्बत वहाँ पर ज़्यादा काम हुए होंगे, लेकिन जामपुर में इतना ज़्यादा नहीं हुए। आप ये देखें कि मदाफात में भी माहौल नहीं। चले बात डिस्ट्रिक्ट की हो रही है, आप कह रहे हैं चले वहाँ पे हुए, कहीं हुए हैं यानी आप इससे मुतमैन हैं? ममताज भाई जी बिल्कुल हुए हैं। अमजद साहब ने कहा कि गुरचरण साहब ने माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट में जो उनसे मुमकिन था डिप्टी स्पीकर का उहदा था उनके पास, उन्होंने काम कराए, साफ जाहिर है वो। अब सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा समीज़ न्यूज़ का, अमजद भाई ने जिक्र किया उनका हक है, उनकी एफिलिएशन है एक ग्रुप के साथ एक आदमी के साथ, मेरी इसी तरह एफिलिएशन या थोड़ी बहुत वाबस्तगी समझ लें वो लिगारी साहिबान के साथ है। नहीं आप तो उनकी माशाल्लाह नुमाइंदगी कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। तो मैं ज़ाती तौर पे इस नौजवान बंदे शेर अली खान गुरचाणी का सियासत में आना सही, यहाँ की सियासत को एक टर्निंग पॉइंट कहूँगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मुझे एक काम था सरदार मोहम्मद जाफर खान लगारी से, जैसे ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया, मैंने पर्सनल अप्रोच किया उनको, उन्होंने शफकत की टाइम दिया कि आप आके मुझे मिल लें। मेरे वाले साहब हयात थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब वो गुजर गए। तो मैंने अबू से सुबह जाते हुए दुआ के लिए कहा कि मैं जा रहा हूँ, काम था चूँकि, तो आप दुआ करें मैं वहाँ जाऊँ और काम भी हो जाए। भाषानी साहब वो माने नहीं, यकीन करें उनका मुंह खुला रह गया कि मेरा बेटा उस आदमी से मिलने जा रहा है जिसके साथ आज तक हम बैठ के बात नहीं कर सके, उसके बावजूद आप माशाल्लाह। ये सारा सिस्टम ये शेर अली खान को क्रेडिट जाता है। सही, मुखालफत सियासत अपनी जगह पे सही, वो चला है अवाम में बैठा है, अवाम में भागा है, बल्कि चला नहीं है। तो ये एक ट्रेंड सेटर आदमी है। बाकी जो काम है भाई ने कहा, इन्होंने कहा, तो बेसिकली हम ब्रॉड विजन में अपने मसाइल नहीं देखते, तो बात पुल पे आई, पुल के स्टे पे रही या एक स्कूल तक चली गई, मतलब जैसे हम ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कोई यहाँ पे स्टेप नहीं दिए गए, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कोई नहीं आ सके। तो ये रोड आज का मसला नहीं है, ये बहुत दिनों पहले का मसला था। सही। तो जब आवाम ना, मैं ये कहता हूँ कि हम अपने मसाइल को दूरबीन से नहीं देखते, हम खुदबीन से देखते हैं। हमें बेडरूम्स की कहानियाँ पता होती हैं, हमें थोड़ा दूर आगे जाके किसी के मसले का कोई पता नहीं होता। मुमताज़ भाई मेरा ख्याल है कि बजाय इसके ऊपर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम इस पर क्यों ना बात करें कि आइंदा क्या होना चाहिए, हमें इन लोगों से क्या क्या तवक्कुआत है, क्या क्या उम्मीदें हैं। तो ज़ुबैर भाई आप इस पर हमें कुछ तरक्याती काम या जो भी सिस्टम है, अगर गुरचरण साहब ने 10 साल दिए हैं जामपुर में, अब देखें ये एक बहुत बड़ा अरसा होता है, इस अरसे में मुझे भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिखा दिया ये स्कूल। सर 70 साल से बाकी भी तो है इक्तदार में, उनके भी तो प्रोजेक्ट यही पोजीशन है ना, महकूम तबका पसमानदा इलाका, ये तो वो चीजें हैं जो हम सब इससे गुजर चुके हैं, क्यों ना इस पे बात करें कि आइंदा हम क्या कर सकते हैं। गुजरी फिर कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, उसी प्यार में ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 10 साल मिले, अगर इनको बाकी को अच्छा कोई काम किया होता, वो मेगा प्रोजेक्ट में किया जाता है। देखिए स्कूल बसें हो गई, कॉलेज हो गए, अस्पताल हो गए, ये तो ऑलरेडी हर हुकूमत में चलती होती है। अगर शेर ने गुरचरणी तो कई चीजें आएंगी, मोहसिन है, कोई भी चीज है, चीजें आती रहेंगी। बात होती है कि बंदा बड़ा प्रोजेक्ट कर जाता है, मिसाल के तौर पर अगर 5 अरब रुपये लेके आए तो वो 5 अरब रुपये कहाँ है, ठीक है। या अगर ये करके इतना अच्छा काम कर रहे थे तो वो जिला का है, अगर ये जिला को बना सकते थे। दूसरी बात करें जो सबसे ज्यादा जो नीड है जामपुर की, राजनपुर की, सुई गैस है। देखिए अगर ये सुई गैस लेके आते हैं, जामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट कोई बड़ी चीज लेके आते, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किया। क्या ख्याल है सुई गैस आपको 25-30 साल पहले दे नहीं की गई थी, इफ्तिताह हुआ था, मैं कहता मुझे तो यही याद आ रहा है। कागजों में देखिए ना, कागजों में हमें तो प्रैक्टिकली चाहिए ना,
तो वो किसने की थी? गुरचानी साहब थे, गुरचानी लिगारी साहब ने की थी, लेकिन तो माशाल्लाह उनके ऊपर तो अभी मेरे ख्याल 10 साल 10 नहीं मेरे ख्याल 18-19 साल आपको गैस मिल चुकी है 1999 में मेरे ख्याल में। अमजद भाई आप इसमें कुछ कहेंगे? गैस बिल्कुल जी, इसकी तो पाइपलाइन भी मेरे ख्याल में बिछा दी थी उन्होंने 20 साल हो गए इससे, और उसको जंग खा गया बिल्कुल। उसके बाद फिर आपको पता है क्या हुआ जामपुर के साथ। बाकी बात ये है कि शेर अली गुरचानी ने यहाँ के लोगों को सियासी शोर दिया है, मैं ये समझता हूँ। लोगों को अपने हकूक के लिए उठाया यहाँ पे, कि लोग मतलब सरदारों के पास जाते थे आपके सामने, वो तो अपनी गाड़ी का शीशा नहीं नीचे करते, उनसे बात नहीं कर सकते थे, हैंडशेक नहीं करना मयूर समझते थे। नहीं अब तो वो होटलों पे बैठ के दाल खा रहे हैं सारे। काल में सरदार शेर अली खान गुरचानी के बाद अब सबको याद आ गया कि सेल्फी भी बनानी है, होटल पे जाके दाल भी चावल भी खाने हैं वहाँ पे। और मैं अंदर तो आपको पता है पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शेर अली की जो है उसके वो आप बिल्कुल तस्लीम करेंगे इस बात को कि उसने सिर्फ ये बताया कि होटल की इज्जत क्या होती है। उसने कभी ये नहीं देखा कि रक्षे वाला है, खोखे वाला है, दुपट्टे वाला है, कोई भी बैठा हुआ है, तो उस पर उसने कोई तफरीक नहीं है। मेरे ख्याल यही दावे बाकी भी तो करते हैं मुमताज भाई जी। बिल्कुल आपको भी तो माशाल्लाह होटल पे वो बैठ के आवाम के साथ दाल रोटी ये वो जी जी ये करता रहता है। मैं कह चुका हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है इलाकाई सियासत में, और ये शेर अली खान को सेहरा जाता है इसका। लेकिन बेसिकली जो है ना वो लोगों के मसाइल, जैसे भाई मसाइल जरा थोड़ा सा अगर बता दे कौन कौन से ऐसे मसाइल जिन पे आगे काम होना चाहिए, आप क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ, मैं ये क्या करना चाहिए? चलो लिगारी साहबानी सही इनको आप आगे क्या करना चाहिए हमें? परेशानी सर गुजारिश ये है कि आप ये देखें ना कि जो 70 साल से इक्तदार में है उसका कंपैरिजन आप 10 साल के शेर अली गुरचानी के साथ तो नहीं सर। वो आपको मरीन ड्राइव दे रहे हैं ना, मरीन ड्राइव पे आप देख लें कब से बन रहा है, कयाम पाकिस्तान के बाद आप सुन रहे हैं मरीन ड्राइव बन रहा है, तैयब ड्रेन बन रही है, सोई गैस आ रहा है जामपुर जिला बन रहा है। सोई गैस आ रहा है नहीं, सोई गैस आ गया आपको मिल गया है उनके नाम पे, आपके सामने है ठीक है। शोर की बात भाई हमें ऐसे क्या शोर चाहिए, बात करें कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब डिलीवर नहीं कर रहे पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल रहा। 8 महीने में वो क्या करे हजूर, आप भी तो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके बैठे हैं, 8 महीने में क्या हो सकता है? रिस्पांस नहीं किया। आप ये देखे ना कि दाजल कचहरी में खुली कचहरी जो लगाई है वहां पर लोगों ने उनका तमाशा नहीं बनाया, लोग तो इनके गिरबान पकड़ने तक आ गए, ये हाल हो गया लोगों का। और ये 8 साल से यकीन करें कि 8 माह लोग मायूस हुए हैं, वो मेरे ख्याल में 10 साल नहीं हुए होंगे। मेरे ख्याल में 8 माह तो नहीं हुए हैं सर, 40 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल में। लिगारी ग्रुप तो 40 साल से इंतजार में है। अच्छा, और आपने जो बात कही है मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि हमारे मशहूर जो मिनिस्टर है मोहसिन लगारी साहब, ठीक है वजीर आबाश आपको भी बताया सही ठीक है, वो दौरे करते हैं हॉस्पिटल के, भैया हमारा पानी का मसला है पंजाब में, मेरे सलाना है यहाँ पे चश्माई है, हमारे दादर नहर में चले गए पानी नहीं है सर। उस पर तो काम हो रहा है, फिर काम हो रहा है सर। वो मेरे ख्याल में जो इनके यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं जामपुर में, लोगों ने ज्यादती की है जामपुर के साथ। मुमताज भाई आप भाईजान हो रहा है होगा करेंगे कर दिया उसके ऊपर बात हो रही है मिनिस्टर पे तो थोड़ा सा क्या ये जो आवाम में तलखी देखी गई है खुली कचहरी का तस्करा कर रहे हैं, ये एक सिनेरियो एकदम चेंज है, मतलब सुपरमैन बना के हमने इमरान खान को पेश किया है आवाम के सामने, मसाइल का अंबार है, बेबहा मसले हैं, हम या तो इदराक नहीं था हमें या फिर हमने इनको जानबूझ के कैश करना चाहा, तो ये नामुमकिनात से थे जो हम लोग कह के गए हैं आगे, तो जाहिर है लोगों की एक उम्मीद बन जाती है, ख्वाहिश बन जाती है, वो जब पूरी नहीं होगी रिएक्ट होगा। ये माशाल्लाह की इलेक्शन से पहले आप ये उम्मीदें दिलाने वालों में आप भी शामिल थे सर। जी हम भी थे, मैंने भी ख्वाब देखा था बेहतरी का और लोगों को दिखाया था। जी दिखाया भी था कि यानी एक मैं पागल नहीं था इस सोसाइटी में, बहुत से लोग तस्लीम करते हैं कि उस वक्त आपसे गलती हुई। नहीं गलती मैं अब भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे पागल कह रहे तो बात हुई होगी। किस सिलसिले में कंपेयर कर रहे हैं आप? पीरियड वाइज कर रहे हैं तो इनको 7 महीने हुए हैं, 70 साल या 7 साल वेरिएशन को नोट कर रहे हैं भाई। 7 महीने में वो कह रहे हैं पहले इलेक्शन 40 साल होते थे, 40 साल हो चुके हैं। नहीं मैं आपके उस बात पर आ जाऊँ, सोई गैस जो तमाशा बनाया गया जामपुर के साथ वो एक बहुत बड़ा तमाशा था। सोई गैस आई हुई नहीं थी, वो सनरूफ से इफ्तिताह कराया गया उसका, और आज तक वो पैप सड़ रहे हैं।
कई करोड़ के जल खत्म हो गए, ये एक बहुत बड़ा तमाशा लिगाड़ी ग्रुप ने किया था, वो तो एक बिल्कुल हकीकत है ये। और मैंने चाहता कि ये 7 महीने हो गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है हमारे इन खितों का, पचादी खितों का, साफ पानी नहीं है पीने का, इंसान और जानवर एक ही गांव से पानी पी रहे हैं। भाई आपके दौर में भी ये 10 साल जो आपने गुजरा वहां पे इंसान और जानवर एक साथ पानी पी रहे हैं, तो इस पे क्या वो कई वाटर सप्लाई स्कीमें हुई और उन पे पता नहीं क्या क्या इल्जाम भी लगे। उस देखिए गवर्नमेंट में मसाइल होते हैं बशाली साहब, ये नहीं है कि पूरा जो फंड है पंजाब को वहाँ पे हमने 50 में खर्च कर रही है, जितना उनके साथ हो सकता है वहाँ पे काम हो रहे हैं। वाटर की स्कीमें भी शुरू हुई है पहले दौर में भी, अब भी हो रही है। रही बात गैस की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ गैस के हवाले से, हमारी जो लिगारी बिरादरान है यहाँ पे सरदार जाफर लगारी, उनको देख रही वो इतना आवाम के साथ मुखलिस है। अभी आपको पता आपके जानपुर में LPG यहाँ पे प्लांट नस्ब हुआ है, ठीक है, वो लिगारी ग्रुप से आपकी मिर्जा शहजाद साहब जो जिले वेस्ट चेयरमैन है, ठीक है, उन्होंने उनसे इस्तफसार किया कि भाई हम यहाँ पे ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सरदार साहब इस पे क्या आप समझते हैं कि हमारा कोई चांस है सोई गैस का? उन्होंने सरदार जाफर लगारी साहब ने कहा है 10 साल तक जानपुर में सोई गैस नहीं आएगी। मेरे ख्याल में आपके नया इंकशाफ होगा, अब वो इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता LPG प्लांट पे लगा के यहाँ पे वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसने, आपके नोटिस में नहीं है मेरे ख्याल में। जुबैर भाई 10 साल कोई चांस है? तो आपके गुरशानी साहब को भी हो चुके, उन्होंने मुझे बताया क्या क्या खदमात अंजाम दिए हैं सुई गैस के हवाले से, जो है कोई अमली कोई काम में बड़ी स्ट्रगल की है 10 साल में गुरशानी साहब लिखा उन्होंने, बड़ी स्ट्रगल की है उसने, आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, दाने स्कूल उसने बनवाया, दाने स्कूल है उसके बाद बाईपास का मंसूबा वो था आपके सामने, बाकी आप सुई गैस के हवाले से आपने सुई गैस को डिस्कस किया है, प्रेजेंटेशन बनाया है, इसमें गैस पे उन्होंने क्या किया है, मतलब वो कुछ चीजें होती है कि जरूरी नहीं कोई सुबह डिपार्टमेंट किसी को डील करता है, किसी कोई वफाती करता है, तो आपका MLA भी तो होता है ना, MLA का भी रोल होता है, आप ये देख रहे उसने असेंबली में कितने दिन वहां पे जाके बात की है, खानपुर में मोहसिन लगारी को यकीन करें, उन्होंने मंते मांगी देखें बगैर सर्विस ले जो उसका हल्का ये छोड़कर जामपुर के लोगों के गले पड़ गया। देखिए बशानी साहब ये नाइन क्या चाहते हैं, इससे कुछ नहीं करना, गलत राम दिया गया है उनकी शराफत पे, मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई गुरचानी सरदार जो है ना ये गलत काम करते हैं ये करते हैं, सिर्फ उनको बदनाम दिया गया, अदरवाइज आप देख लें अवाम के 200 रुपए उनकी हाजिर 100% है, अवाम में आज भी वो मौजूद है और आपके सामने है। मैं मौजूद होने से मसायल करना चाहूँ, एक बंदा अवेलेबल ही नहीं है, आपको समाज भी करता, आप मिलने ही गवारा नहीं करते, तो आप क्या समझते हो उनके मसले हल हो गए? वो आप अच्छी बिल्कुल है, उन्होंने किया ग्रुप को मांगी करते हैं, आप बताए क्या क्या गया? बेसिकली मैं ये बता चुका आपको कि मेरी एक लगाव समझ लें थोड़ा सा या ज्यादा है लिगारी साहब के साथ, आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम, ठीक है ना, मैं जो देख सकता हूँ ये मेरा ख्याल वसा तो कल भी होगी कि गुरचानी साहब ने जो मैंने कहा अवामी रबते का सिलसिला है वो बनाया, मैंने माना है वो, तो इसी तरह अगर हम देखते हैं अमजद भाई बता रहे हैं, जोर शोर से तो नहीं बोला जाता मेरे से, बहरहाल मैं जब घूमता हूँ फिरता हूँ देखता हूँ तो कोई रोड छोटा सा कोई चीज़ भी बनी हुई है वहाँ जाफर खान लगारी की तख्ती नज़र आती है हमें। और मैं इस वक्त बैशाली साहब ये देख रहे हैं जो बंदा कायम है पाकिस्तान से, मैंने उसकी पट्टी तो लगी होनी है, बड़ा प्रोटोकॉल डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म के अलावा किसी को सवाबदीदी अख्तियार नहीं है कि वो कोई स्पेशल ग्रांट में अपने हल्के में खर्च कर सके, उसको भी वही ग्रांट मिलती है जो एक जहाँ पे जाफर लगारी साहब की भी वो अपना इफ्तिताह लगी हुई है
और डिप्टी स्पीकर साहब की, और भाई कई तनाजे भी रहे ख्याल है, ये पहले भी ऐसे ही लड़ाई झगड़े में टाइम गुजर अभी वही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसी सवाल इनसे करूंगा, ओ भाई वो करारदाद पेश की गई है वो डिस्कस कब होगी? ये खाली कागजों में कर दी गई है या सुईएस कर दी, कागजों में कर दी, काफी सच्ची से कागजों में कर दी, आप हमें बताएं कि वो कहां तक उसको जाएगी? वो 7 महीने तो हो चुके हैं, 7 महीने में कोई ऐसा दिन नहीं निकला कि जिस दिन करारदाद को डिस्कस किया जाए, या वो करारदाद किसी काम की नहीं है। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि मैं उनका नुमाइंदा हूँ या कोई तर्जुमान हूँ, मेरी एक एफिलिएशन है। I don't believe in the past day resolution, अब जो मोहसिन साहब ने पेश की है वहाँ पर नहीं। तो शख्सी हवाले से अगर देखा जाए, सरदार जाफर खान लगारी को I was not active 2 or 3 years ago in politics, just I was a social worker। उसके बाद जो है ना हम आए हैं, एक आदमी के आने की वजह से हम उनके साथ चले हैं, बैठे हैं, देखा है उनको। तो मैं उस हवाले से अगर अपनी यूनियन काउंसिल को कोट करूं तो अमजद भाई गवाह हैं, वहाँ पे करोड़ों रुपए के फंड्स और काम हो चुके हैं, जो हो चुके हैं मैं वो भी आपको गिनवा सकता हूं, बता सकता हूं, ये बात नहीं है। असल में जहाँ पे लोच आ रहा है वो आ रहा है हम लोगों में, हम खुद में, हमारा एक विजन इबरार नहीं है। हम कहते हैं जी हमारी गली में खंभा लगा हुआ है ये हटवा दें, वो कहता है 6 साल से ये खंभे ने मुसीबत डाली हुई थी यार। मैंने शेर अली खां से जाके कहा, उसने फ़ोन किया, दूसरे दिन खंभा गायब, मेरा मसला हल हो गया। जब तक हमारी सोच यहां तक रहेगी तो मसले यही ही होते रहेंगे, जो नज़र ना आएंगे। मेरे घर का काम हुआ होगा आपको नजर रोड नजर आता है, गली के मसाइल पे भैया इनके हल के ऊपर बात कर रहे हैं। आपकी यूनियन काउंसिल में पानी का बड़ा मसला है और फिल्ट्रेशन प्लांट सबसे बंद है, वहाँ पे पानी जहरीला है, पानी पीने के काबिल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, समाजी कर क्यों आप उनके जवाब देते नहीं है, ना आप उनके तर्जमान है, उसमें आप क्या महसूस करते हैं? जो साफ पानी स्कैंडल था ना, ये उसकी जद में आया है ये प्लांटिंग का। कमर खान ने कोशिश करके यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग से उस रूम को सेपरेटली रोड पे सेपरेट रूम बनवा के उसको नष्ट करवाया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, स्कैंडल बन गया, तो इनको उन्होंने सील कर दिया। कमर खान ने बहुत कोशिश की कि इसको चलवाया जाए, तो उन्होंने इतना तक भी कहा कि आप अगर हमें नहीं चलाने देते तो पब्लिक इसको तोड़ देगी, आपका ये सील किया हुआ जो सिस्टम है। बिल आखिर पिछले दिनों ये पेशरफ्त हुई, उन्होंने कहा कि हम मुलाजिम जो है ऑपरेटर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप इसकी सैलरी अरेंज कर दें तो हम इसको चलवा देते हैं। ठीक, बाकी जो चीज़ें थी वहाँ पे, यानी बोर हो गया वहाँ पे, उसके लिए वाटर पंप हो गया, ये सब चीज़ें उन्होंने अरेंज की, टूटियाँ वगैरह छोटे मोटे चीज़ें वो हो गई। अब वो यूनियन काउंसिल पे करेगी उस ऑपरेटर को, और जो भी उसकी मेंटेनेंस है वो खुद यूनियन काउंसिल ने जिम्मा लिया, और अब वो लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया। अमजद भाई, क्योंकि आपका ताल्लुक भी वहीं से है, एक ही यूनियन काउंसिल से, और ये पानी का वाकई सीरियस मसला है आपके एरिया में, तो इस पे मुतमैन आप इनकी बात से वाकई वहाँ पे काम हो रहा है? आप ये देखें ना कि 2010 के फ्लड के बाद पानी का मसला पूरी तहसील का मसला है। बिल्कुल ठीक है, आप ये नहीं है कि 50 है या हमारा सिटी का कोई मसला। बिल्कुल बिल्कुल, एक यूसी में एक फिल्ट्रेशन प्लांट, कभी भी आप आबादी देख लें, आबादी कितना है, एक फिल्ट्रेशन प्लांट पे खत्म गुजारा नहीं है। बाकी डेवलपमेंट क्या है कि वो तो मेरे ख्याल में पिछले दौर में भी काम हुए हैं, जैसे रोड बने हैं, स्कूल में अपग्रेडेशन हुई है, बाकी काम हुए हैं, हम इससे मुतमैन नहीं है। मतलब ये तो रूटीन है, हमारे में हो रहा है, स्पेशल जैसे कह सकते हैं वो नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं कह सकते। रूटीन वर्क में आप देखें अमजद भाई, आप इसको रूटीन वर्क, आप रूटीन ऐसा कहना, मैं बार बार सिर्फ आपको ये नोट करा रहा हूँ, पावर करा रहा हूँ कि सिर्फ ये मीटर कनेक्शन पे लगी हुई है, खंभे पे लगी हुई है, तार पे लगी हुई है, बिजली लगाने पे लगी हुई है, जो ये 70 साल से काम कर रहा है। मैं इत्तेफाक करूंगा इस बात से, इत्तेफाक करूंगा, ये बात बता दूं, अभी हमारा एक जज मेरे दोस्त के सपूत की रजिस्ट्रेशन का, उसका जनरल मसला है, वो सीओ के पास गया, ठीक है, उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन रोकी हुई है। भी नए पाकिस्तान के अंदर वो एमएलए साहब के खास लोग हैं, वो उनको जाके कहते कहते हैं हमारे एजुकेशन के ऑफिसर हमारी बात नहीं मानते, मतलब आपके सिर्फ वापडा वाले मानते हैं, ताकि आपको वहाँ पे कमीशन मिलता है आपको। आप देख कासिम नगराना जैसे लोग पैदा नहीं हुए जो खुद इतना अपग्रेड हो गए। मुमताज भाई कमीशन मिलता है, मुमताज भाई
कमीशन इन्होंने दिया होगा या इन्होंने लिया होगा, बैठ के बात कर रहे हैं, वैसे तो इल्जाम नहीं लगा। प्रैक्टिकली मैं नहीं बता सकता इसके सिलसिले में कि अनदेखी बात मैं कर दूं। मैं भी कह सकता हूं ऐसे अल्फाज, मैं भी कह सकता हूं कि ये इन्होंने लिया है जी, ये शेर अली खान लेते थे, मैं नहीं कहता ऐसी बात। सज्जाद भाई आइंदा चले, पिछले तो जो है वो नजर आ रहा है, आइंदा क्या होना चाहिए? आप सारे दोस्त एक्टिव हैं, आप क्या उम्मीद है सर, इसके लिए क्या होना चाहिए, कैसे होगा? बिल्कुल अर्ज करना चाहता हूँ, हमने पहले भी ये कहा था कि ये जो सरदार लोग हैं ये नाअहल हैं, ये काम नहीं कर सकते, ये हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते। एक बात हमें मकामी मुझे एक बात की पहले करनी होगी, सरदार साहब का क्या मतलब है? सरदार साहब से मुराद तीनों जो हमारे इसमें क्या है, ये लफ्ज सरदार की आप थोड़ी सी मुझे वजाहत। हाँ मैं आपको वजाहत कर देता हूँ, ये जो सरदार लोग होते हैं, ये जो नवाब लोग होते हैं, इनकी एक क्लास और होती है, हमारे तबके का गरीब बंदा होता है जिसकी सोच ही वो दूसरी होती है। लोग होंगे यहाँ पर, सोच का नाम यहाँ पर नहीं है। मैं ये समझता हूँ इन तीनों सरदारों को मौका मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है, ये नाअहल है, ये हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते। मतलब आप ये देखें कि यहाँ पर मकामी कैडर की जरूरत है, वो अब मिले हमें अगले 5 सालों में मिले, या मतलब हम खाम खाम में इन पर एतमाद कर लेते हैं, एतमाद कर लेते हैं, फिर हमें इसका रिजल्ट ये मिलता है कि वापस ये आते नहीं है। पूरा शहर तबाह हुआ पड़ा है, पूरा शहर, पूरे शहर की गलियों में सेवरेज का पानी खड़ा हुआ है, इस सेवरेज के मसले को किसी ने देखा तक नहीं। मैं सब और ये देखिए आप जयपुर जिला का मसला बहुत पुराना मसला है, 40 सालों से पुराना मसला है, मतलब ये इस पर कहा गया है कि बनाएंगे बनाएंगे, हर बार कहा गया है। अच्छा इसके आगे चले, हमारी इन रोडों पर सड़कों पर हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, इस पर बार बार कहा गया है कि ये बनवा दें बनवा दें। हाँ दीगर जो लोग बड़े शहर हैं वो वहाँ पर बन रहे हैं, वहाँ पर बजट है, वहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर क्यों नहीं है? मतलब आप इस तरह आगे चलें, सोई गैस हमारा बहुत बड़ा मसला है, मतलब आपको पता है, इसे आगे चले, हमारे 50 में पीने का पानी नहीं है, आज भी इंसान और जानवर एक ही गांव से पानी पीते हैं इस सदी में, मतलब ये बहुत बड़े जुल्म है। अमजद भाई वो सज्जाद भाई एक चीज पे मुत्तफिक है कि इन मसाइल का हल मकामी क़यादत है, आप इस पे क्या कहेंगे? मकामी क़यादत से मुराद क्या है? मकामी क़यादत से ये मुराद है, आप ये मेरे ख्याल में नई बात नहीं है। सही। मकामी क़यादत आप ये लेते हैं सरदार बना लेते हैं किताबी पचास से या वो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से आए थे, वो जामपुर के मकामी एमपी थे आपके, उन्होंने जामपुर की किस्सा क्या काम किया? अच्छा, अगर मकामी कहते हैं सरदार विश्वास वाला लगा दिया आपके सामने, मकामी क़यादत थी, लोगों ने कितना उनको वोट दिया? नहीं, अगर आप मकामी की बात हो रही है तो 50 तो मकामी है, वो भी तो इसी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, वो वोट नहीं पड़े लेकिन पढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जाफर लगारी भी इसी तहसील का है, कोर्ट जानू को उसका आईडी कार्ड बहुत मकामी हो गया। बिल्कुल आईडी कार्ड बनाया हुआ होगा असल में ना, हम का बंदा जामपुर का आईडी कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? मुमताज भाई आप असल में हम सोच पे जी मैं कह रहा हूँ ये कि हम बेसिकली ये जो सारे सरदार हैं, खोसा साहब ने जैसे कहा, खोसे भी सरदार है सर। हाँ बिल्कुल है, तुमन है ये लोग, तो सरदार साहब बैठे आपके साथ, जरा इत्तेहाद करें। मैं बिस्मिल्लाह, मैं इनकी वैसे भी कदर करता हूँ। ये है कि हमने अपने जो नुमाइंदगान चुने हैं, खोसा साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, सारा सिस्टम ही गलत है हमारे यहाँ। मैं बेजमीन हूँ, तो ये ठीक कैसे होगा? सुने, मैं बेजमीन हूँ, मैं बेघर हूँ, मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, मेरा नुमाइंदा कौन है वहाँ असम्बली में या वहाँ एकदार में? हजारों एकड़ का मालिक जाफर लगारी, हजारों एकड़ का मालिक ब्रिशक साहब, कुचानी साहब को भी इसमें काउंट नहीं कर सकते। तो जो 17 डिग्री सेंटीग्रेड के एसी में बैठा हुआ है रूम में, वो 48 के टेम्परेचर पे एक भट्ठा जलाने वाले मजदूर का नुमाइंदा है, बनेगा वो नहीं करेगा। जिसने लोड शेडिंग झेली है वो उसकी बात करेगा, जिसने गर्मी झेली है, जो ट्रैफिक में फंसा है, जिसको गली नाली का सीवरेज का पानी बदबू देता है रात को, वो अगर ऊपर आया। और मकामी क़यादत के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत अच्छे नौजवान, मेरे आइडियल भी हैं वो, अब्दुल रज़ाक राजा साहब, तो वो लेके आए, वो पहली ईंट रखने वाले थे इस तहरीक इंसाफ की, यहाँ पे लोगों ने ट्रस्ट किया, अमजद भाई भी साथ थे, रीना साथी थे, हाँ ट्रस्ट किया लोगों ने, उसके बाद लोगों का ट्रस्ट देख के पार्टी ने ट्रस्ट किया। सही। राजा साहब ने फ्यूडल लॉर्ड्स को यहाँ पे पीछे खदेड़ दिया, आगे बढ़ते गए, पार्टी ने ट्रस्ट करके उनको एमएनएशिप का टिकट दे दिया, जो एक बहुत बड़ी बात थी। और आपने वोट नहीं दिया? 5 जी, ये बदकिस्मती है हम सब लोगों की, 5-6 हज़ार वोट उन्होंने दिए। सही। उसके बाद
फिर हमारी वही मकामी क्यादत वहाँ पे थोड़ा सा सुकड़ के कोने पे बैठ गई। फ्यूडल लॉर्ड आते गए, एक सरदार आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अब मेरा ख्याल है वो खुद भी साइड लाइन पे हो चुके हैं, अधीक्षक साहब डिविजनल सदर बन गए हैं उसके। तो हम भी अपना ट्रस्ट लूज करते हैं। जैसे अमजद भाई ने कहा, गजाली रहीम खान पिताफी वाज अ नाइस पर्सन, और उसको सपोर्ट किया गया था, और उसे असम्बली में लोग देखने आते थे कि जनूबी पंजाब से नुमाइंदा आया है बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ये आनर कोई कम नहीं था, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। हम लोग पता नहीं किस शिकंजे में आ जाते हैं, हम डिलीवर नहीं कर पाते, तान टूट जाती है। सुबेर भाई, आप क्या समझते हैं ये तमाम मसाइल कल वाकई मकामी नुमाइंदे में? मकामी नुमाइंदे भी देखें, बात ये है, अब हम मकामी नुमाइंदे की अगर बात करते हैं तो अगले 5 साल की बात करते हैं। मकामी नुमाइंदे में तो ये सारे मकामी है ना। अब हम करंट के ऊपर बात करें, आपके आप ये कह रहे हैं कि हम आगे क्या अच्छा कर सकते हैं। देखें, मोहसिन लगारी साहब हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास बेशक, अगर उनके पास डिपार्टमेंट है तो क्यों ना जयपुर में सबसे पहले इससे शुरू करें। इरीगेशन में जहाँ 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 कोताहियाँ, जहाँ डिफॉल्टेज चीज़ें हैं उसको सेट करें, वो उसको करें। आप जाके देखें वहाँ पे रेस्ट हाउस को देखें, उन्होंने बनवाया है, हो रहा है आज तो काम तो हो रहा है। अच्छा, और एक अलविया है हमारी नौजवान नस्ल का भी, हमारे लोगों का भी, हम अंधे मुकल्लद बहुत हो गए हैं। मोहसिन लगारी, मैंने उसको वोट भी दिया है, शायद किसी और ने भी दिया हो, और आपने शोर भी पाया होगा माशाल्लाह। हमें तवक्कुआत भी हैं, हमें तवक्कुआत भी थी उनसे, थी उन्होंने जी, उन्होंने डिलीवर नहीं किया अभी से यार 8 महीने में, जी जी नहीं कर पा रहे वो डिलीवर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मुझे उनकी हिमायत में अब भी खड़े होना बुरा लगेगा। आप डिजिकाल में देखें, अरबों रुपए के फंड दिए गए हैं। आप देखिए मुजफ्फर अली अलीपुर के जो रोड जा रहे हैं, डबल रूम कर रहे हैं, वो फंड कहां से आ रहे हैं? मकामी क्यादत की बात होती है, वहां से फंड खत्म हो जाते हैं, ये तो कोई बात नहीं भाई। हम हर जगह बांझ पान का शिकार हैं सर जी, सॉरी टू से, कि मकामी अगर आप वजीर आला शिप पे आप चले जाए, वो कहाँ के हैं? वो भी मकामी एक आदमी है, गुजरात साहब कहाँ से हैं? नहीं, आप लालगढ़ को मकामी नहीं मानते और आप वहाँ पे तौसे को मकामी कह रहे हैं। मैं मानता हूँ, जो लोग नहीं मानते ना माने, यहीं के लोग हैं ये सारे। चोटी पे आपको इतराज है मकामी नहीं है और तौसा मकामी है यार। खोसा साहब आते हैं वहाँ पे डेरा गाजी खान में, उनका विजन आप देख लें कि उनकी सोच एक जिला डेरा गाजी खान से डिवीजन तक भी नहीं है। कुछ जयपुर की पोल तो दे जाते यार, जब आए थे उन्होंने जिला राजनपुर जो डिवीजन डेरा गाजी खान का हिस्सा है, जबकि वो पंजाब के वो है। नखले अमजद भाई बेचैन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। अमजद भाई, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी रिसेंट हमारे पीएम साहब यहाँ पर तशरीफ लाए थे, इमरान खान साहब, सेहत कार्ड, ठीक है, सेहत कार्ड के हवाले से मुझे एक नुमाइंदा बता दें। अभी मुझे कहते हैं ना, एक नुमाइंदा बता दें किसी ने सिर्फ ये बात की ये हमारा इंडस हाईवे जो है ना, इस बार क्रिएट करना है। उसने वजीर ने खुद कहा, लेकिन नहीं, सीएम से बात नहीं होगी ना, सीएम ने ऐसा नहीं कहा। मेरे ख्याल में सीएम भी वो बस वो कुछ कर नहीं सकता, मैं भी उनसे मंजूरी लूंगा, वो तो खुद बेचारा उसके पास अख्तियार नहीं है। बेसिकली ये मौका नहीं दिया गया, बेसिकली एक स्पेसिफाइड तकरीब थी, मतलब सेहत कार्ड की तकसीम के हवाले से, और मुझे जहाँ तक इल्म है वहाँ पे इनवाइटेड लोग ही गए थे, ऐसे मैं आप या ये लोग नहीं जा सकते थे, जिनको कार्ड मिले थे वो गए थे। बहरहाल मुझे उन लोगों पे अफसोस है कि वो जहाँ बैठे भी थे कार्ड मिलने के बावजूद फिर भी वो ऐसे बैठे थे, उन पे अफसोस रहेगा मुझे, और है भी सही। अच्छा, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो पीटीए के यहाँ हमारे दोस्त हैं, तो उनको मिलने तक नहीं दिया गया। अच्छा सर, आपकी तो बहुत सी बात होगी, आपने जयपुर जिले के लिए बहुत बात की होगी डिप्टी स्पीकर साहब ने, कोई उस बारे में है? बिल्कुल की, इंशाल्लाह उनकी तवक्को यही थी कि अगर अवाम ने इस दफा मौका दिया, हमारी अगर सरदार जाफर लगा से नहीं, अगर अगली दफा मौका दिया, दो दफा जब मौका मिला तब हर दफा दो दफा उन्होंने बात की, ये नहीं कि उन्होंने बात नहीं की। अच्छा अच्छा, सिर्फ रुकावट लगा ली, बरादरान ने कभी नहीं चाहते। अच्छा, कभी सुना नहीं है उन्होंने वो की है, कभी सुना नहीं है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ बात की हो, बात की हो और लिगारी उन्हें रोका हो, मतलब ये है कि ये बात करते और लिगारी रोकते तो ये खुद ब खुद एक्सपोज होते हैं। रुकावट सिर्फ लिगारी सरदार है और जामपुर के दुश्मन ही लिगारी है। जब आप आते हैं ना इस जिला का, मैं उनको डिफेंड नहीं करता, मैं उनको डिफेंड नहीं करता, मैं उनको डिफेंड नहीं करता हूँ। अब ये कहते हैं कि एक बंदा 70 साल से, मेरे ख्याल में कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है, आप ये 70 साल आपने वैसे कह दिया, 70 साल से है असेंबली में, असेंबली के अंदर, ठीक है, जितना लिगारी लिगारी की नुमाइंदगी है उतना बुरचानी भी तो नहीं है, जितना बात उनकी मानी जाती थी
नेशनल असेंबली तक वो कहते हमारा जाति दोस्त है नवाज शरीफ। अच्छा एक और बात, जाति दोस्त होता है वो आपको एग्जैक्ट एक और बात है, देखिए इन 10 सालों में इतना इलाके ने, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट ने या हमारे इस जो पीपी 247 और 48 दोनों में रहे, इन्होंने तरक्की नहीं की जितना सरदारों ने यानी गुरचाणी साहबान ने खुद तरक्की की। इसके ऊपर थोड़ा नहीं देखिए ना, उनके अगर जितना दरार थी आपके सामने मैंने पहले भी बताया काम हुए हैं। नहीं ये मेरा मसला नहीं, आवाम की में एक चीज है अड्डे, ये नजर भी आता है, नजर भी आता है, बहुत उनका जाति बिजनेस है। ये बहुत अच्छी बात है कि अमूमन हमारे इलाके के जितना एक ही बात नहीं हो रही सरदार है, जब ये बरसर इक्तदार होते हैं तो इनकी फसलें सोना उगाती हैं जमीनें, और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनके पास गाड़ी तक नहीं रहती। ये क्या फिल्म है, ये कोई जमीन पे कोई चक्कर है या आज मेरे ख्याल में आपसे तो कोई ऐसा आइडिया नहीं है कोई अगर अपोजिशन में हो। मेरे ख्याल में अभी भी शेर अली कुरचानी वैध नुमाइंदा है अवामी, जो अवाम में इन है अभी भी उसकी आदत देखना 100% है। बचानी साहब एक दिन में एक बंदा 30 शादियां वनीला कर करके आ जाता है। सर मैं गुजारिश ये कर रहा था, आप कोई ऐसा मेरे ख्याल में मैकेनिज्म नहीं है जो आप हुकूमत में हो तो अपोजिशन में ना हो, तो ये मेरे ख्याल में इक्तदार में आके वो कर्जे भी क्लियर हो जाते हैं उसी जायदाद में। आपके सामने आपने कैसे बहुत से हैं ना, सिर्फ ये नहीं है आप रजी फार्म का देख ले, आप बाकी जितना छोटी टेक्सटाइल मिल जितना भी आपके सामने, मेरे ख्याल में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रजी फार्म था कोई, ये असल में मैंने कहा कि मेरा कोई सियासी करियर इतना है नहीं, मैं नहीं अभी सुना था इलाके में तो मेरा काले रहे हैं ना, सुना था कि कोई स्कैंडल हुआ है, मियां साहब भी तशरीफ लाए थे और ये आपने जो पूछा उनसे कि अब मियां साहब की शक्ल चेहरा ही देख लेना, जब वो इकदार में होते थे बड़ा चमकते थे बैठ के, अब लटका हुआ मुँह लेके आते हैं वो, तो ये होता रहता है आम के मौसम में, आम लगते हैं दरख्तों पे, आम तौर में नहीं होते। सज्जाद भाई माशाल्लाह बड़े सोशल वर्कर हैं, आपको वो क्या कहते हैं बड़े इतराजात होते हैं, बड़े सवालात होते हैं, तो सर ये दोनों अजीम हस्तियां आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, जरा पूछे ना इनसे जो कुछ आप पूछना चाहते हैं। नहीं आप समझदार हैं, सारा कुछ जानते हैं, दोनों ग्रुपों में करप्शन करप्शन तो होगी, बिल्कुल की होगी, आप नेपाल में बुलाए हुए, मतलब ये तो आप भी जानते हैं कि टेक्सटाइल मिल वाकई थी, उसका मामला क्या था, मतलब सारा कोई क्या था, छोटी टेक्सटाइल जी बिल्कुल, तो उसका जरूर है मतलब ये अपनी तरीके से, पहले गाजी टेक्सटाइल थी फिर छोटी जी बिल्कुल, गाजी मिल हुआ करती थी, अच्छा ये छोटी टेक्सटाइल हुई है बेसिकली। भाषानी साहब हम अगर देखें तो ये हमारा काम नहीं, मेरा काम नहीं है ना इस भाई का है, हक तो हमारा जा रहा है मोहतरम, मैं बता रहा हूँ आप ये रियासी इदारों का काम है, जब आप नवाज शरीफ को अंदर डाल के बैठे हुए हैं तो आप कहते हैं जी ये तो अदालतें और रियासतें ये वो कर रहा है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ इस स्टूडियो में बैठ के ना किसी का एहतसाब कर सकते हैं ना हम अथॉरिटी हैं, मैं जो होता है चोटी थी गाजी थी चोटी बनी आप कह रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, अगर कल एक मोटरसाइकिल पे सफर करते थे गुरचानी साहब आज वीगो डाले हैं उनके पास, डिस्कस होता है, डिस्कस कर सकते हैं हम, ये पकड़ना या पूछना ये हमारा, मेरे ख्याल है आप सब एक बात मुत्तफिक है, मकामी की आदत जी, मकामी की आदत, और आप मतलब इन चारों को मकामी नहीं समझते, जो सरदारों से टूट कर जो इनकी दूसरी कियादत है या सारे इनके ग्रुप से टूट जाए, मैंने कहा है ना अब मकामी से मुराद तो लालगढ़ मकामी क्योंकि तहसील जामपुर में ही है, बेसिक इशू यही है सर कि हमारा नुमाइंदा मैं अब आपको लेके जाऊं तो आप मुझे जानते हो मेरा मसला क्या है, डीपली जानते हो, और आप जब आगे चलेंगे मैं पीछे लगूंगा तो इंशाल्लाह मसले हल होते जाएंगे, ये लेवल का फर्क है। मैंने जैसे आपको बताया 1000 एकड़ का मालिक बेघर का नुमाइंदा कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता, तो हमने ऐसे लोगों को मैं मिसाल देता जाऊंगा
कि थोड़ा सा वो नैरो हो जाती है कमर खानदानी का, उन्होंने ट्रैक्टर पे हल चलाए हैं, वो रात को खेत में सो भी जाते थे, उस लेवल से आए हैं उन्होंने, मतलब आज वो मेरे काम के लिए, इस भाई के काम के लिए लड़ता है, वो अपना अलीगारी साहब के पास बैठ के फंड्स ले के आता है, छीन के भागना, 11 बजे तक मिल रहा है उनसे, मतलब जब तक कोई सोने का चमचा जो लेके आया। गजाली साहब को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो मकामी क़यादत ज़रूर थी लेकिन वो भी इलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कभी हाल नहीं चलाया, उन्होंने खाल से पानी कभी नहीं पिया, जौहर से या तालाब से वो नहीं जानते। हमें ऐसे लोगों को लाना होगा जो एज ए ह्यूमन भी अच्छे हैं और उन्होंने हम सब लोगों के दुख को देखा हुआ होगा, तब जाके हमारे मसाइल हल होंगे। मैं अर्ज करना चाहूँ, जो लिगारी ग्रुप, गुरचानी ग्रुप और दिशा ग्रुप की दूसरे दर्जे की क्यादत है, जो जहांपुर के लोग हैं, वो इनसे बगावत कर रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी आवाम अब हमेशा ही मतलब इनको वोट इनकी वजह से सरदारों को दे, ये आवाम भी इनसे बोले कि आप खुद आप MPA की सीट पर आएँ, MLA सीट पर आएँ, जिस तरह मिर्ज़ा साहब हैं, मिर्ज़ा बिरादरान हैं, जिस तरह धर्मपुरोशी साहब हैं, जिस तरह काली सैफ साहब हैं, मतलब शरीफ लोन, मतलब इस तरह यहाँ पर मौजूद हैं लोग जो MPA MLA की सीट लड़ सकते हैं। हम मशवरा दे रहे हैं, ये हम मशवरा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी ये है, मकामी क्यादत लेकिन अहल क्या, अहल क्या, मकामी क्यादत अहल क्या। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि अगर दृशक मजारी लगारन के अंदर शेर अली गुरचानी जैसा अहल बंदा है तो ले, मैं भी उनको वोट दूंगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी समझी तक वो पहुंचा सकते हैं, आपकी वो शिनाख्त कर सकते हैं कि ये वोटर हमारा है, हम इसे जानते हैं जाती तौर पर, ठीक है, वो अगर आपका काम करा सकते हैं वेल एंड गुड। अब वो अगर तो आप ये देखें ना, जब 5 रेफर मिल गया, वो ग्रामीण लोग इधर हैं, उनके 5 लोग हैं, बार बार अगर वो आशा हो गया जाएगा, उनके दौर में क्या होता है, बात नहीं करेगा, फिर आप कैसे डिलीवर करेंगे वहां से। सही, कुछ लोग होते हैं, मैं कह रहा हूँ सियासत को आप देख लें ना, सियासत महंगी गेम हो गई है। अब खोसा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मेरा हर मसला हल करवा सकते हैं, ये बोल सकते हैं, भाग सकते हैं मेरे लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बेचारे के पास रन करने के लिए वसायल नहीं है। एक चेयरमैन, यूसी चेयरमैन का पता है आपको इलेक्शन कहाँ पहुँच गया, 2 करोड़ पर पहुँच गया है, 3 करोड़ पर पहुँच गया है, तो उसको रन करना ये सही नहीं है। मकामी क़यादत के हवाले से भी हमने धोखे खाए हुए हैं, जैसे गजाली साहब एज ए रेफरेंस, और जैसे आप तहरीक इंसाफ को संभाले हुए बहुत नाप तोल के खूबसूरती से आगे लेके चले, जब हम पीक पे आए हैं तो वही फ्यूडलिज्म छा गया, और चुप रहना जो है हमारा वो उसका वो है मसला है कि हम चुप रहे, फलां सरदार आ गया मैं चुप हूँ, फलां आ गया मैं चुप हूँ, और हमें हर कोई यूज़ करके चला जाता है। और भाषानी साहब मैं आपको बताऊं कि हमारे मसले तब भी हल होंगे जब हम, जैसे जवाहर साहब ने कहा कि अगर और मौका मिला गुरचानी साहब को तो वो, हम सिर्फ ये कार्ड रखें नहीं, आप कार्ड ना रखें कि ज़िला जहाँपुर बनवाना है इसको इलेक्शन पे खेलेंगे, नहीं, बनवा डालो जो काम करना। सही बात है, बिल्कुल। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।